हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जिंगोय का और पेटीएम का टाई अप वाला यूपीआई ऑफर बताएंगे। उसी के संग आपको पेटीएम का एक नया प्रोमो कोड बताएंगे। नया नहीं, पुराना प्रोमो कोड है, मगर 30 रुपये का कैशबैक आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। और उसी के संग आपको कैश कार्ड का एक फ्लैट 100 रुपीज़ कैशबैक वाला ऑफर बताएंगे जो फ्लिपकार्ट के तरफ से आ रही है। और पेजैप पे भी एक ऑफर बहुत दिन से चल रहा है, मगर ये छुपा हुआ ऑफर है, सभी को ये पता नहीं है। वो ऑफर भी आपके सामने आज रीओपन करेंगे। पहले भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो था, तो चलिए शुरू कर लेते एक एक करके ऑफर। तो पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं और जिंगॉय और पेटीएम का यूपीआई ऑफर चेक कर लेते हैं। अब जिंगॉय पेटीएम का जो यूपीआई ऑफर है, अब जिंगॉय के ऊपर आ जाएंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा 7 पे 30 यूपीआई ऑफर है, जो बहुत ही पुराना ऑफर है। इस ऑफर पे बताने के कुछ भी लायक चीज ही नहीं है, तो भी आपको बता देते हैं। अब हर एक बार बहुत सारे वीडियो पे आपको बता चुके हैं, तो इस प्रकार से आपको आ जाना है। ऊपर आपको बैनर भी दिख जाएगा, तो चलिए बैनर आपको दिखा देते। तो आज ही के दिन ये शेष है, 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा। बहुत दो दिन से चल रहा है। तो इधर आपको क्या करना होगा, आप पहले बार के लिए 3 ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो आपको 10 रुपये मिल जाएगा, और पूरे 7 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 20 रुपये मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको 30 रुपये टोटल में मिल जाएगा। तो चलिए उसका बैनर आपको दिखा देते हैं और पूरे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी एक बार खोल के दिखा देते हैं। आ जाइए, ये देखिए बैनर आपके सामने आ गया है और 2 दिन के लिए ऑफर है। इधर पूरे ही टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता दिए है और आपको बताएंगे पेटीएम का गिफ्ट कार्ड इधर से मत उठाइएगा क्योंकि बहुत सारे चार्ज लग जाएगा, तो अमेजन का गिफ्ट कार्ड उठा लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जाके कितने रुपए का अमेजन का कार्ड उठाना है, 50 रुपए का। ठीक है, तो चलिए इधर से आपको एक बार दिखा देते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन किधर लिखा है वो भी दिखा देते। तो अभी कार्ड पे आ जाएगा, कार्ड पे आ जाने के बाद कार्ड के ऊपर आ जाना है और आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर जब आएंगे उधर पेटीएम यूपीआई करके एक ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन के नीचे ही आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते। तो इधर डिटेल्स चेक करने के लिए आपको इधर लेके आया हूँ, तो डिटेल्स अभी खुल जाएगा आपके सामने। ये देखिए 16 मई से 18 मई तक वैलिड है। तो ये जो ऑफर है बताने में कुछ भी चीज़ नहीं है, तो पहले का वीडियो में ये नहीं बताया था, मुझे ऑफर मालूम था, तो बहुत सारे वीडियो पे इस प्रकार का ऑफर बता चुका हूँ, आप भी जाके चेक कर सकते। तो चलिए इस ऑफर को इधर ही खत्म करते, आप जाके डिटेल चेक कर लीजिएगा और ऑफर को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी जाके जो दूसरा ऑफर आ रही है, दूसरा ऑफर वो भी क्रोम ब्राउजर पे जाके ओपन करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा ऑफर के लिए आपको कैश कर्व में आ जाना है। तो कैश कर्व पे आप आ जाएंगे तो आपको क्या होगा, इधर पता चल जाएगा आपको 2% के हिसाब से आपको कैशबैक मिल जाएगा और फ्लैट 100 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। अब इस मई महीने में कभी भी फ्लिपकार्ट से शॉपिंग नहीं किए हो तो अब जाके इस ऑफर को जरूर लूट लीजिएगा। आपको नया अकाउंट बनाना भी नहीं पड़ेगा, मगर अब इस मई महीने में कुछ भी नहीं खरीदे तो फ्लिपकार्ट से जाके इस ऑफर को लूट लीजिएगा। और आप खरीदो तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उधर से जाके तुरंत आप साइन अप कर लेंगे और नया अकाउंट बना लेंगे तो आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके मतलब आपको 100 रुपये तो फ्लैट मिलेगा ही फ्लिपकार्ट के शॉपिंग करने के लिए, और भी एक्स्ट्रा 25 रुपीज़ भी मिल जाएगा। तो चलिए इस बैनर के ऊपर आ जाते हैं और आ जाने के बाद आपको इधर मिल जाएगा बिग शॉपिंग डेज 2 डेज ओनली फॉर ऑफर। आज लिखा है 2 डेज, 19 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो 19 तारीख भी आपको इस प्रकार के बैनर दिख जाएगा। तो चलिए अभी इस ऑफर को एक्टिव करने के लिए एक्टिव रिवार्ड के ऊपर दबाना है। इस प्रकार से दबाने के बाद पहले आपको लॉग इन हो जाना है और दबाने के बाद इस प्रकार से कैश करो का ऑप्शन से जाके आपको फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे जाके ओपन हो जाएगा। फ्लिपकार्ट से ऐप पे मत जाइएगा क्योंकि ट्रैक नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको पहले से फ्लिपकार्ट पे लॉग इन हो जाएंगे और अभी इस पेज को कभी भी मत रिफ्रेश कीजिएगा, और पहले से आपके कार्ट पे कुछ रहेगा तो उसको पहले हटा दीजिएगा। सभी को रिमूव करने के बाद ही फ्रेश पेज पे आ जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो ही आपका जो प्रोडक्ट होगा ट्रैक हो पाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको इधर से कुछ भी प्रोडक्ट उठा लेना है और जाके जब पेमेंट कर देंगे इस पेज के ऊपर ही आपको काम करना है, कुछ भी नए पेज नहीं ओपन करना है, नहीं तो ट्रैक करने में दिक्कत होगा। और ट्रैक नहीं होगा तो आप जाके हेल्प ऑप्शन पे ऊपर जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मेल भी पढ़ा सकते हैं, तो भी वो आपको ट्रैक करके देगा कैश करो।
ठीक है, तो चलिए अभी इस ऑफर को इधर ही खत्म करते हैं और जो तीसरा ऑफर आ रहा है उसके बारे में जान लेते हैं जो पेटीएम की तरफ से आ रही है, और फ्लैट आपको 30 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा एक प्रोमो कोड इस्तेमाल करने से। तो चलिए देख लेते। तो चलिए अभी पेटीएम ऐप ओपन हो चुका है और अभी जाके हम लोग रिचार्ज ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे, मोबाइल प्रीपेड के ऑप्शन के ऊपर। ये जो ऑफर है थोड़ा सा अकाउंट स्पेसिफिक है, मगर आपको थोड़ा सा पुराना अकाउंट पे ये दिख जाएगा, जिस अकाउंट पे आप जाके पहले मंथली 20 और मंथली 10 प्रोमो कोड को बहुत बार इस्तेमाल नहीं किया हो, तो उस प्रकार के अकाउंट से आपको इस तरह के प्रोमो कोड मिलने का चांसेस रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रोमो कोड है, तो जाके एक रिचार्ज कर लेते हैं और आपको बता देते। इस प्रकार से आपको जाना है और इधर आपको मैं एक 35 रुपए का रिचार्ज इनिशिएट करूंगा और आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड को हटा देना है और प्रोसेस टू रिचार्ज करेंगे तो आपको ऑफर सेक्शन के ऊपर आपको ये प्रोमो कोड दिख जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा प्रोमो कोड है। तो हैवे प्रोमो कोड के ऊपर आ जाएंगे तो आपको इधर दिख जाएगा। हैवे प्रोमो कोड के ऊपर आ जाने के बाद Grab 25 तो आपको दिखेगा, मगर Grab 30 ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। इस ऑफर के ऊपर Grab 30 देख सकते, अप्लाई भी हो चुका है। अभी जाके प्रोसेस टू पे करेंगे, प्रोसेस टू पे करेंगे और इंस्टेंट मुझे 30 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, मेरे वॉलेट का भी बैलेंस नहीं है तो मैं पोस्टपेड से इसको पेमेंट कर दूंगा। पोस्टपेड ऑप्शन भी रहना बहुत जरूरी है, पोस्टपेड ऑप्शन से पेमेंट करने से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी कभार 5 रुपए भी एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। तो चलिए अभी जाके पूरे ही पेमेंट कर देता हूँ, मेरा जो वॉलेट बैलेंस है उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो 500 रुपए है, जाके पोस्टपेड से पेमेंट कर देता हूँ। पोस्टपेड से पेमेंट कर दूंगा तो 35 रुपए तो पोस्टपेड से कट जाएगा और 30 रुपए वापस भी आ जाएगा और 5 रुपए मेरे वॉलेट पे भी है, तो जाके मैं वापसी भी कर सकता हूँ इधर से। कुछ भी नहीं लगा, रिचार्ज भी सक्सेसफुल हो गया और वॉलेट पे ट्रांजेक्शन भी मुझे नहीं करना पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग पासबुक सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे और मेरे वॉलेट पे 5 रुपए बैलेंस था, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे 35 रुपए बैलेंस हो गया है। इस प्रकार से मैं पोस्टपेड से पेमेंट भी कर चुका हूँ और मुझे किधर से भी पैसा भी लेना नहीं पड़ा और 30 रुपए कैशबैक भी मिल गया। इस प्रकार से मैं 35 रुपए लौटा भी सकता हूँ पोस्टपेड के ऊपर। तो देख सकते हैं अभी 30 रुपए का कैशबैक मुझे मिल गया है। Grab30 करके ये प्रोमो कोड है, तो Grab30 प्रोमो कोड आपको भी मिल जाएगा। तो आप भी जाके कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा मुझे Grab30 प्रोमो कोड मिल गया है, और अब नहीं मिला तो भी बताएंगे, क्योंकि ये मुझे देखना है Grab30 प्रोमो कोड कितने लोगों को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं जो लास्ट ऑफर आ रहा है वो पेजैप की तरफ से आ रही है। वो बहुत दिनों से चल रहा है मगर सभी को पता नहीं है। अभी जो सेल चल रहा है पेटीएम के ऊपर, तो आपको 10% के वापसी हो जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको पूरे साल ये ऑफर चलता रहता है। आप कभी भी फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके शॉपिंग करेंगे तो आपको 10 रुपए का 10% के हिसाब से फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हो उस ऑफर को चेक करके, और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए। पेजैप ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको देख सकते इस प्रकार की इंटरफेस तो आपको दिखेगा, और नीचे देखेंगे आपको 10x रिवार्ड और 10% कैशबैक इस प्रकार के ऑप्शन के नीचे देखिए दाएं तरफ कोना में एक आपको फ्लिपकार्ट के लोगो दिख जाएगा। इस लोगो के ऊपर सिर्फ आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद इधर आपको पूरे टर्म्स एंड कंडीशन बताया जाएगा HDFC बैंक की तरफ से। तब अब जब आप जाके प्रोसेस करेंगे आपको पूरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाके ये जो पेजैप के ऑप्शन से ऊपर आप आ जाएंगे फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर आ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से शॉपिंग करना है, वो भी आपको दिखा देंगे। आ जाइए, प्रोडक्ट उठाना है तो चलिए देख लेते कौन सा प्रोडक्ट अभी आपको इधर से उठाना है। तो मैं इधर से एक बड़ा सा प्रोडक्ट उठा लेता हूँ और 12,000 रुपये का एक लैपटॉप ही उठा लेता हूँ। खरीदूंगी नहीं, मगर आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से प्रोसेस करके आपको आगे बढ़ना है, तो ही आपको 10% के कैशबैक मिल जाएगा। तो अभी जाके इधर से एक 17,000 का या जो भी आप कह सकते हैं उठा लीजिए इधर से, आपको दिखाने के लिए दिखाएंगे। आपको क्या करना होगा, पहले पेजैप कार्ड पे लोड करना है मनी, क्योंकि इधर आपको पेजैप कार्ड दिखेगा ऑप्शन के। जब पेमेंट करने जाएंगे तब आपको पेजैप कार्ड दिखेगा, मगर आप फ्लिपकार्ट से जब जाएंगे आगे बढ़ेंगे तब आपको ये पेजैप कार्ड नहीं दिखेगा। ये स्पेशली पेजैप ऐप के ऊपर से जाएंगे तो ही आपको ये कार्ड दिख पाएगा। ठीक है, तो अभी जाके इधर से ये जो लैपटॉप होगा इसको कार्ड के ऊपर
उठा लेते हैं, और उठा लेने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, मेरे वॉलेट पे मेरे जो कार्ड है उधर तो बैलेंस नहीं है, तो आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो चलिए देख लेते। अभी जाके इस लैपटॉप को उठा लेते हैं कार्ड पे और देखते हैं। तो अभी आप कंटिन्यू करने के बाद, आपके एड्रेस क्लियर कर लेने के बाद, आपको दिख जाएगा इधर एक पेजैप कार्ड के ऑप्शन। तो पेजैप कार्ड के ऑप्शन, आप जब फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करेंगे तो आपको इस प्रकार के कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। आप जाके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर लेंगे, मैक्सिमम कितने रुपीज़ का आपका कैशबैक मिल पाएगा, मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल पाएगा। तो इसके मतलब आप 50,000 रुपीज़ का शॉपिंग कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जाइएगा तो आपको 10% का फ़ायदा तो हो जाएगा, और कैश करो के तरफ से जाएंगे तो आपको फ्लैट 100 रुपीज़ का तो फ़ायदा होगा और 2% का फ़ायदा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरे ही फायदा को लूट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को इधर ही खत्म कर देते हैं, वीडियो को इधर ही खत्म कर देते हैं। थैंक होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।